An inappropriate relationship. You have sexual abuse. Sex abuse. Having a sexual relationship. Accused of having sex with a student. गाइज जस्ट इमेजिन करो एक 12 साल का लड़का जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा बट स्टिल ही वॉज हैविंग एन इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विथ हिज 25 इयर्स ओल्ड टीचर। दे वुड एंगेज इन सेक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। उनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा इनअप्रोप्रिएट था कि भाई एट द एंड उस टीचर को अपना बच्चा को एबॉर्ट करना पड़ा। The teacher impregnated by her 8th grade student, Vera, pleaded guilty to having a lengthy sexual relationship. Having a sexual relationship. An inappropriate relationship with a 13-year-old. Stovall Middle School even getting pregnant by the teen. Even getting pregnant by the teenager. A Texas teacher is accused of sexually abusing a teenage student. So what is up guys, welcome back to another video. So guys, aap sabhi ke liye main ek aur video lekar aa chuka hu. So guys, aaj ke is video par main aap sabhi ke sath Stovall Middle School ka ek teacher ka ek student ke sath relationship ka story share karne wala hu. Texas par ek school hai jiska naam Stovall Middle School. Us school par ek teacher thi. 24-year-old Alexandra Vera, who taught English at Thomas J. Stovall Middle School. और वेरा का ये कहानी शुरू होता है समर 2015 से। समर 2015 यानी ईसाई जून से लेकर सितंबर का बीच का बात है जब अल्फा वीरा का समर क्लासेस के लिए असाइन करता है एंड फिर उसके बाद जब भी अल्फा वीरा का क्लासेस पर आता है तो वो हमेशा वीरा के साथ फ्लर्टिंग करते रहता था और साथ में हमेशा वीरा का इंस्टा आईडी मांगते रहता था बट वीरा हर बार डिनाई कर देती है अपना इंस्टा आईडी देने से। फिर उसके बाद लेट समर 2015 वेरा इज इन्फॉर्म दैट द बॉय हैज असाइंड टू हर क्लासेस फॉर द अपकमिंग स्कूल ईयर। वंस स्कूल बिगिंस देयर फ्लर्टेशन कंटिन्यूस। स्कूल ओपन होने के बाद ओ लोग का फ्लर्टेशन फिर से कंटिन्यू हो जाता है और फिर सितंबर 2015 पर वेरा नोटिस करती है अल्फा आजकल क्लासेस पर एब्सेंट करते जा रहा है एंड फिर वेरा ने सोचा ये लड़का आजकल इतना एब्सेंट क्यों करते जा रहा है सो जानने के लिए वो मैसेज करती है अल्फा को बट अल्फा रिप्लाई में डायरेक्ट उसकी नंबर मांगता है एंड फिर वेरा अपना नंबर दे देती है एंड फिर अल्फा और वेरा दोनों का बात होने लगा एंड अल्फा अरेंज है मीटिंग एंड फिर नेक्स्ट डे दोनों मीट करते हैं एंड उसी मीट पर दे किस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फिर नेक्स्ट डे दे बिकम फिजिकल फॉर द फर्स्ट टाइम आई मीन दे डिड डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। 8 अक्टूबर 2015 वेरा मीट्स द बॉयज पेरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्कूल्स ओपन हाउस और फिर इस मीट पर वेरा अल्फा का पेरेंट्स के साथ बात करती है एंड फिर कुछ टाइम के बाद वेरा अल्फा का घर में जाती है डिनर करने एंड फिर अल्फा का पेरेंट्स जब पूछते हैं ये कौन है तो अल्फा रिप्लाई करता है ये मेरा न्यू गर्लफ्रेंड है। विंटर 2015 से लेकर 2016 का बीच में द बॉयज पेरेंट्स एक्सेप्ट द रिलेशनशिप एंड वेरा इज इन्वाइटेड टू सेवरल फैमिली गैदरिंग। मतलब विंटर 2015 से लेकर 16 का बीच में जो मंथ आता है ना गाइज जो विंटर वेकेशन होता है उसी वेकेशन पर अल्फा और वेरा दोनों का रिलेशनशिप को अल्फा के पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और अल्फा का पेरेंट्स वीरा को फैमिली मेंबर समझ के ओलू का फैमिली गैदरिंग पर बुलाते रहते थे एंड फिर इतना ज्यादा एडवांटेज मिलने के कारण उसके बाद ओलू का जो रिलेशनशिप था ना गाइज वो डेली डैश के साथ कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर जनवरी 2016 पर वेरा प्रेग्नेंट हो जाती है एंड जब अल्फा ने इस चीज़ को अपना फैमिली वालों को बताया दे वेर वेरी हैप्पी एंड दे वेर एक्साइटेड फॉर द बेबी। But in court documents, Vera says the student's parents knew about the relationship and they approved of it. And फिर उसका कुछ टाइम के बाद वीरा की एजेंसी के सामने हाईलाइट हो जाती है। एक एजेंसी है जिसका नाम CPS। CPS ये एक एजेंसी है जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है एब्यूज एंड ऑल से। तो ये एजेंसी फरवरी 2016 पर वेरा को स्कूल पर अनएक्सपेक्टेडली देख लेते हैं एंड फिर देखने के बाद ये एजेंसी के कुछ लोग वीरा और अल्फा दोनों का रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्वेश्चंस करने लगे सो तब यहाँ पर वेरा इस रिलेशनशिप को लेकर डिनाई कर देती है बट तभी वेरा ज्यादा डरने के कारण बेबी को एबॉर्ट कर देती है। वेरा देन टर्मिनेटेड द प्रेगनेंसी आफ्टर बीइंग क्वेश्चन्ड बाय अथॉरिटीज अबाउट द रिलेशनशिप। शी टर्मिनेटेड द प्रेगनेंसी आफ्टर इन्वेस्टिगेटर्स बिगन क्वेश्चनिंग द रिलेशनशिप। एंड तभी जैसे तैसे वीरा उसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट पर कॉल लगा के काफी सारा क्वेश्चन का आंसर करती है अल्फा के साथ अपना रिलेशनशिप को लेकर एंड फिर उसके बाद बात होता है अप्रैल 2016 का
अप्रैल 2016 पर वीरा का ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ था ना गाइस, वो एलिगेशन पब्लिक हो जाता है एंड वीरा को स्कूल से निकाल दिया गया था। एंड फिर जनवरी 2016 पर वीरा को 10 साल का सजा सुना दिया गया था। बट कुछ टाइम के बाद वीरा ने अपना गलती को एक्सेप्ट करा था बोल के वीरा को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ 5 ईयर्स का पैरोल में रिलीज कर दिया गया था, जैसे कि उसको अपना घर में रहना पड़ेगा शाम 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। Vera is currently out on bond and she's got some strict rules to follow. No contact with the victim, no contact with minors, a curfew of 8 p.m. यानी वो हाउस अरेस्ट पर थी एंड स्टेइंग ऑफ द इंटरनेट जीपीएस से ट्रैक किया जाता था। Cannot use the internet and must be tracked by GPS. But still Vera दो ओकेजंस पर जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कर दिया था। She did violate those conditions back in July when she came home past her curfew. But anyway इन दोनों रिस्ट्रिक्शन को वायलेट करने के कारण प्रोसिक्यूशन ने इस चीज पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था। But the judge at that time let her remain. वीरा इज नॉट द फर्स्ट टीचर फ्रॉम द स्टोवेल मिडिल स्कूल टू बी एक्यूज्ड। स्टोवेल मिडिल स्कूल से एक और टीचर था जिसका नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। ये टीचर के ऊपर भी एक बार चार्ज किया गया था क्योंकि ये टीचर भी स्टूडेंट के साथ इम्प्रॉपर रिलेशनशिप रखता था। एक 15 साल के बच्चा ने रिपोर्ट किया था कि उसको ये जो टीचर है ना गाइस, ये टीचर ने उसको लैप डांस दिया था बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पे और लैप डांस को एंड करती है बाय सेइंग आई लव यू बेबी। तो है गाइज ये था हमारा स्टोरी। सो आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आया। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आया तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना।